हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज मैं आप लोग को हेयर स्मूथनिंग दिखाने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप हेयर वॉश। हमें अपने क्लाइंट का हेयर बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना है, डीप हेयर वॉश करना है अपने क्लाइंट का। देन उसके बाद हमको टॉवल ड्राई करना है और फोर पार्टीशन निकालने के बाद हमें बालों में प्रोडक्ट लगाना है और मल्सीफाई करना है। सारे बालों में प्रोडक्ट लगने के बाद आप अपने क्लाइंट के हेयर्स को अच्छे से सेट कर दें कॉम की मदद से। हमें अपने क्लाइंट को 20 मिनट के लिए स्टैचू की तरह बिठा देना है। उसके बाद हमें उनका हेयर वॉश करना है प्लेन वाटर से। देन हम मास्क भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने केमिकल उनके बालों पर अप्लाई किया है तो हमें मास्क अप्लाई करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। मास्क अप्लीकेशन के बाद हमको हेयर वॉश बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि मैम के बालों का सारा प्रोडक्ट अच्छे से निकल जाए। मैम का हेयर वॉश हो चुका है, देन हमें टॉवल ड्राई करना है। उसके बाद हमें मैम के हेयर्स को अच्छे से नेचुरल हवा से सुखाना है। आप ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हॉट ड्रायर नहीं, कोल्ड ड्रायर। इससे क्या होगा कि मैम के हेयर्स में जो टेक्सचर है वो स्मूथ बने रहेंगे। मैम के हेयर अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, 100% ड्राई हो चुके हैं। देन अब मैं आयनिंग कर रही हूँ। आयनिंग हमेशा पतले पतले सेक्शन में ही निकाल के आपको करना है, इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी। हमारा आयनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद हमको फिर से फोर पार्टीशन निकालना है और मोटे मोटे सेक्शन में हमको न्यूट्रलाइज़र लगाना है। न्यूट्रलाइज़र भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मल्सीफाई करके ही लगाना है। न्यूट्रलाइज़र को भी हमें कॉम की मदद से अच्छे से पूरे बालों में लगा के सेट करना है। न्यूट्रलाइज़र को 10 मिनट हेयर्स में लगाने के बाद हमें फिर से हेयर वॉश करना है प्लेन वाटर से, और इस बार फिर से हमको मास्क अप्लाई करना है। मास्क लगाना कंपलसरी है। मैम का फिर से हेयर वॉश कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें टॉवल ड्राई करना है। देन उसके बाद हमें मैम के हेयर्स को अच्छे से ड्रायर की मदद से इसको सुखाना है। मैम की हेयर स्मूथनिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप देख सकते हो उनके हेयर्स कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और मैम को अपना ये हेयर बहुत पसंद आया, क्योंकि मैम के हेयर्स कुछ ज़्यादा ड्राई थे और वो काफ़ी खुश हुई अपने हेयर्स में चेंज लाके। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हुई और मैम ने मुझे बहुत सारा थैंक यू बोला और मैम बहुत खुश हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।